Hello friends, welcome to our channel U&me English Study. Friends, आज का हमारा टॉपिक है Ode on the Death of a Favorite Cat. ये एक पोयम है जो कि थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है. ठीक है, तो फ्रेंड्स पोयम के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एज यूजुअल थोड़ा सा पोइट के बारे में बता देती हूँ. Thomas Gray was an English poet, later writer, classical scholar and professor at Pembroke College, Cambridge. ठीक है, Cambridge के कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे हैं. He was born on 26 December 1716, Cornhill, City of London and died on 30 July 1771. Cambridge, United Kingdom. Then he is widely known for his elegy written in a country churchyard. इनकी ये जो elegy है ये काफी ज्यादा famous poem है और इसी poem की वजह से इनको काफी fame मिला था. ठीक है, और ये published हुई थी 1751 में. अब मैं आपको इनके कुछ प्रिंसिपल वर्क्स के नाम बता देती हूँ. वो हैं ओड ऑन स्प्रिंग, सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, हिम टू एडवर्सिटी, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ए लॉन्ग स्टोरी, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ए पिंडारिक ओड. देन है द बार्ड, ए पिंडारिक ओड. लास्ट वन है ओड ऑन द इलस्ट्रेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ ग्रेफ्टन. फ्रेंड्स ये इनके कुछ प्रिंसिपल वर्क्स थे. अब मैं आपको ये जो हमारी पोयम है, आज का टॉपिक है ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि क्या है इस पोयम के अंदर, थॉमस ग्रे ने किस चीज को डिस्कस किया है इसके अंदर. दिस पोयम इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल इंसिडेंट ऑक्योर इन द हाउस ऑफ ए फ्रेंड ऑफ ग्रेज. ये जो हमारे पोइट हैं थॉमस ग्रे, इनके फ्रेंड के घर पर कोई इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है ये पोयम. दिस फ्रेंड हैड टू पेट कैट्स. ये जो फ्रेंड है इनका, इसके पास दो पालतू बिल्लियां थी. बोथ ऑफ देम फीमेल्स, दोनों की दोनों फीमेल थी. द कैट हैड बीन गिवन द नेम्स ऑफ सेलिमा एंड जारा. दोनों को नाम दिया गया था. उनका नाम था सेलिमा एंड जारा. द पोयम, तो फ्रेंड्स इनको मतलब ये जो कैट्स थी ना उनके ऊपर ये पोयम बेस्ड है. जो थॉमस ग्रे हैं उनके फ्रेंड ने उनको एक लेटर के अंदर एक इंसिडेंट के बारे में लिखकर पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि क्या उन कैट्स के साथ हुआ. और सॉरी ये ना सिर्फ एक कैट के बारे में था ये इंसिडेंट, और उसका नाम था सेलिमा. तो उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ ये इस पोयम के अंदर है. ठीक है, तो हम जैसे जैसे पोयम पढ़ेंगे इस चीज को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि क्या वो इंसिडेंट था जो उस कैट के साथ हुआ, और इस पोयम में किस चीज को मतलब क्या किन थीम्स को डिस्कस किया है पोइट ने. द पोयम इज रिटन इन ए मोक हीरोइक स्टाइल. ठीक है, ये जो पोयम है वो मोक हीरोइक स्टाइल में लिखी गई है. ये एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक सीरियस थीम को नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना. ठीक है, सीरियस थीम सीरियस हो, उसके पीछे का जो मोटिव हो वो सीरियस मैनर हो, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल मॉक स्टाइल में हो. ठीक है, इट वाज रिटन इन 1747 और ये जो पोएम है वो 1747 के अंदर लिखी गई थी. As this poem contains a story, we could also classify it as a narrative poem. ठीक है, इस poem के अंदर है ना एक story बताई गई है, एक story की तरह ये poem चलती है, जिससे हमको अपने आप ही पता चलने लगता है, अपने आप ही लगने लगता है कि एक narrative poem है. ठीक है,
आई होप आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ में आ गया होगा। तो अब जो भी चीजें हैं सारी इस पोयम के अंदर मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी पोयम समझाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स पोयम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ऑन ए लॉफ्टी वास्ट साइड वेयर चाइनाज गेस्ट आर्ट हैड डाइड। स्टार्टिंग के अंदर जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि एक वास है, एक वास रखा हुआ है, पात्र रखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, उसकी अपीयरेंस के बारे में स्टार्टिंग की लाइनों में बताया जा रहा है। तो उस वास के बारे में बता रहे हैं कि वो एक लॉफ्टी, एक टॉल सा वास का साइड है, उस एक साइड से मतलब वो नजर आ रहा है। वेहर चाइनाज गेस्ट आर्ट हैड डाइड, जिसके ऊपर चाइनीज आर्ट बनाई गई है, कलरफुल आर्ट उसके ऊपर उकेरी गई है। दे एज योर फ्लावर्स दैट ब्लो डिम्ब्रेस्ट ऑफ द टबी काइंड। उसके ऊपर, उस वास के साइड के ऊपर नीले कलर के, एज योर नीले कलर के फ्लावर्स बनाए गए हैं, ठीक है, आर्ट के रूप में। दैट ब्लो विच ब्लूम, मतलब वो इस तरीके से खिल रहे हैं वो फूल। डिमोरेस्ट ऑफ द टबी काइंड, जैसे फीमेल टबी, फीमेल कैट जो होती है ना, उसके स्वभाव की तरह बिल्कुल मॉडेस्ट है, बिल्कुल विनम्र तरीके से जैसे वो खिल रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये आर्ट के बारे में बात हो रही है, और वो भी जो वास, जो पात्र वहां पे रखा हुआ है, उस पात्र का अपीयरेंस बताया जा रहा है। द पेंसिव सलीमा रिक्लाइंड गेज्ड ऑन द लेक बिलो, ठीक है। अब उस कैट की बात हो रही है, जो कैट थी सलीमा, जिसका नाम है सलीमा, वो पेंसिव, पेंसिव होता है थॉटफुल और सीरियस मैनर में, मतलब वो बिल्कुल ऐसे थॉटफुल मैनर के अंदर हमको नजर आ रही है, दिख रही है वहां पर, उस पात्र को वो देख रही है। रिक्लाइंड, वो रेस्ट कर रही है वहां पर। गेज्ड ऑन द लेक बिलो, और इस जो वास है इसके वाटर में अंदर तक, इस वास के अंदर तक वो इसको घूर घूर के देख रही है। गेज्ड, घूर कर इसको देख रही है। देन आगे पॉइंट बोलते हैं, हर कॉन्शियस टेल हर जॉय डिक्लियर्ड द फेयर राउंड फेस द स्नोवी बियर्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पोइट जो है वो कैट की फिजिकल अपियरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो फिजिकल अपियरेंस नजर आ रही है ना उसको बता रहे हैं। हर कॉन्शियस टेल, जो उसकी कॉन्शियस टेल पूछ है ना, उससे उसकी खुशी जाहिर हो रही है, डिक्लेयर हो रही है, नजर आ रही है उसकी खुशी उसकी पूंछ के अंदर, जैसे वो हिलाकर बता रही है कि उसकी कितनी खुशी उसको हो रही है इस वास को देखकर। द फेयर राउंड फेस, उसका गोल और सुंदर चेहरा है, गोरे रंग का है। द स्नोवी बियर्ड, स्नोवी उसकी जो मूछे हैं, बियर्ड है वो स्नोवी है, स्नोवी स्नोफॉल जैसी वाइट है, ठीक है। द वेलवेट ऑफ हर पाउज, उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट मखमली हैं। हर कॉट, उसकी जो स्किन है, दैट विथ द टॉर्टोइज वॉइस, वो मोटी तो है लेकिन वॉइस बिल्कुल कॉम करी हुई है, ठीक है, उसके जितने उसके उसकी स्किन पर जितने बाल हैं बिल्कुल कॉम करे हुए हैं। हर ईयर्स ऑफ जेट, और उसके जो ईयर्स हैं, कान है, वो जेट की जैसे खड़े हैं, मतलब जेट की जैसे क्यों खड़े, क्योंकि वो अपने शिकार की तरफ देख रही है, अपने उसकी जो डेस्टिनेशन है उसको लगातार देखे जा रही है, इसलिए उसके ईयर से पता चल रहा है कि वो कितनी कॉन्शियस है उस टाइम पे। एंड एमर्ल्ड आईज, और उसकी आंखें बिल्कुल ग्रीन कलर ली हुई हैं, ग्रीन कलर की उसकी आंखें नजर आ रही हैं। शी सॉ एंड पॉर्ड एप्लॉज, ठीक है, वो उसको देख रही है, उस वास को बराबर देख रही है, और एज यूजुअल जो एनिमल्स, कैट एनिमल जो होता है ना, वो जैसी वो नेचुरल आवाज निकालते हैं, वो आवाज वो निकालती है उस टाइम पे, मतलब अपनी खुशी जाहिर करती है उस टाइम पे। कैट, जो कैट एनिमल होता है वो ऑब्वियसली उनका जो वर्ड है वो म्याऊ करके वो वर्ड होता है, तो वो अपना वो वर्ड निकालकर, अपनी वो आवाज निकालकर अपनी खुशी जाहिर करती है उस टाइम पे। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। स्टिल हैड शी गेज्ड बट मिडस्ट द टाइड
टू एंजल फॉर्म्स वर सीन टू ग्लाइड. अब क्या हो रहा है, वो अभी तक भी देखी जा रही है उस वास को, वो लगातार देखी जा रही है, अभी तक भी उसको देख रही है. बट अब मिडस्ट द टाइड, लहरों के बीच में, पानी उसके अंदर है ना, वास के अंदर, तो लहरों के बीच में उसको क्या दिखता है, टू एंजल फॉर्म्स वर सीन टू ग्लाइड. ग्लाइड टू एंड फ्रो मतलब मूव करती हुई, उसको इधर उधर हिलती डुलती इधर उधर जाती हुई दो एंजल फॉर्म्स उसको दिखती हैं. ठीक है, एंजल फॉर्म्स, अब उन मछलियों के बारे में, फिशेस के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर. दो फिशेस उसको दिखती है जो एंजल लगती है उसको, उनको उसको उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली कैट उनको देख रही है तो वो उनको अपना मील समझेगी. ठीक है, इसलिए उसको वो बहुत ही एंजल फॉर्म से लग रही है. द जर्नी ऑफ द स्ट्रीम, वो जो जिनके बारे में बात करी जा रही है, जिन फिशेस के बारे में बात करी जा रही है, वो किस तरीके से लग रही है उस वाटर के अंदर, एज अ स्प्रिट, एज अ प्योर स्प्रिट की जैसे वो नजर आ रही हैं. ठीक है, देन देयर स्कैली एरोमास टायरन ह्यू थ्रो रिचेस्ट पर्पल टू द व्यू. उनकी जो स्कैली स्किन जो है, अब फ्रेंड्स देखिए, पहले पोइट ने वास के अपियरेंस के बारे में बात करी थी, उस पात्र के अपियरेंस के बारे में, देन कैट के अपियरेंस के बारे में, उसके फिजिकल अपियरेंस के बारे में बात करी. अब जो जिनका मेंशन हुआ है फिशेस का, टू गोल्ड टू एंजल फॉर्म्स का, उनकी फिजिकल अपियरेंस के बारे में, उनकी अपियरेंस के बारे में अब बात हो रही है. ठीक है, तो उनके बारे में क्या बता रहे हैं पोइट, देयर स्कैली एरोमास टायरन ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, जो उनकी स्किन है वो थिक मोटी भी है और कलर में बिल्कुल गहरी है. ठीक है, टायरन बिल्कुल गहरा कलर लिए हुए है. थ्रो रिचेस्ट पर्पल टू द व्यू, जो दिखने में बिल्कुल पर्पल लगता है, बिल्कुल डार्क रेड कलर की उनकी स्किन है, पर्पल कलर उन नजर आ रहा है. बिट्रियन ए गोल्डन ग्लीम, और उनके ऊपर उनका जो कलर है वो बहुत ही गहरा नजर आ रहा है, और उसके ऊपर भी मतलब सुनहरे कलर की ग्लीम किरणें बनी हुई है. ठीक है, सुनहरी कलर की धारियां बनी हुई हैं, जो क्या कर रही है, आंखों को मतलब वो कर रही है, जो वो दो कैट उनको देख रही है ना, उसकी आंखों को धोखा दे रही है उसको. कैट को यूं लग रहा है कि वो फिशेस नहीं है, वो उसका डिलीशियस मील है, उसका खाना है. तो मतलब वो जो गोल्डन ग्लीम है ना, वो एक आशा की किरण है उसके लिए, उसको धोखा दे रही है, उसकी आंखों को धोखा दे रही है वो. तो इतनी सुंदर अपियरेंस उन फिशेस की लग रही है, बिल्कुल अट्रैक्टिव, जो कि उस कैट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है. देन फ्रेंड्स, अब इसके आगे के स्टेंजा हम पोएम के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, सॉरी, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी. सो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे ऐसा थोड़ा लगे कि हाँ मुझे और वीडियो बनानी चाहिए, यू नो. तो प्लीज़ थोड़ा बहुत एफर्ट आप लोग भी कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स.